हेलो एवरीवन, आज थोड़ा सा ना मॉड्यूल्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले मेरे को फ़ाइल बनाने दीजिए, जैसे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। थोड़ा सा एक्सटेंशन py है। अब पहली बात तो कई सारे आप मॉड्यूल्स इंस्टॉल करते हैं, जैसे पांडास हो गया, sklearn हो गया, बाकी सारे बहुत बहुत और भी मतलब पैकेजेस होते हैं। तो उनका वर्जन चेक करने के लिए क्या लगता है, मैं आपको पहले बताता हूँ। पहले आपको जैसे मैं बताता हूँ, जैसे इम्पोर्ट में sklearn एस के आप ऐसे करेंगे, तो इसके बाद आपको लिख देना sk.version। सिंपल, वैसे भी मेरा sklearn इंस्टॉल नहीं है तो ये एरर देगा, लेकिन अगर आपके में sklearn इंस्टॉल है तो वो इसका वर्जन बताएगा कि आपका कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। ठीक है, जैसे अभी एरर देगा देखिए मुझे, क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल्ड ही नहीं है sklearn, मैंने इंस्टॉल ही नहीं कर रखा। देखिए जैसे मुझे एरर आ गया। ओके, अब दूसरी बात जो मेन आ जाती है, हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है इसके मामले में कि भाई जैसे हमने ना एक फ़ाइल बनाई, ठीक है, हमने रख दिया फाइल वन डॉट पी वाई। ओके, फाइल वन डॉट पी वाई रख दिया, यहाँ पे आपने ए इज इक्वल टू 34 लिख दिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब हम आते हैं वापस अपने इस प्रोग्राम में, तो हम क्या करते हैं, उस फाइल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या नाम था उसका, फाइल वन डॉट पी वाई था ना, पी वाई के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी इंपोर्ट हो जाएगा। अब इंपोर्ट फाइल वन लिख दिया, अब हमें उसका ना क्या चाहिए, रुक जाओ रुक जाओ, पहले हम इसे किस तरीके से इम्पोर्ट करते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके ना। अब देखिए, अब यहाँ पे अब उसमें एक हमने वेरिएबल बनाया था, याद है आपको, ए इज इक्वल टू 34। अब वहाँ से यहाँ पे हमें प्रिंट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हटाइए यार, इसको हटा देते हैं, इसी कोई ज़रूरत नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइल वन डॉट ए लिख सकते हैं। ओके, अब सिंपली मैं जैसे यहाँ पे इसको रन करूँगा, पहली बात तो मुझे एरर देने वाला है क्योंकि ये मैंने हटाया नहीं, तो पहले इसको हटा देते, कमेंट आउट कर देते हैं, एंड देन आफ्टर दैट वी आर गोना बी रनिंग दिस, एंड ओके इट इज़ रनिंग। तो या जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे 34 प्रिंट हो गया। उस फाइल में जो हमने वेरिएबल बनाया था ए नाम का, वो हमने इम्पोर्ट कर लिया और उससे हमने यूज़ किया। अब इसको करने का एक और तरीका है, क्या तरीका है कि भाई फ्रॉम फाइल वन इम्पोर्ट, फ्रॉम फाइल वन इम्पोर्ट ए। ओके, अब हमें ना फाइल वन डॉट ए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट ए लिख देंगे, भाई सब ये प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं अभी, रन हो रहा है, बड़ा ही स्लो कंप्यूटर। हाँ, तो ये हो गया, देखो जो दो बार आ गया, ऊपर वाला भी सेम, नीचे वाला भी सेम। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि नीचे वाला कभी इस्तेमाल, मतलब एडवांस यूज़र हैं तो कर लें, लेकिन इसमें क्या दिक्कत होती है ना, आप जैसे आपने दो फाइल बना रखी है, फाइल वन डॉट पी वाई, फाइल टू डॉट पी वाई, अब दोनों में ही मतलब एक ए नाम का आपने वेरिएबल बना रखा है। अब आप पहले लिखेंगे फॉर्म फाइल वन इम्पोर्ट ए, फिर लिखेंगे फ्रॉम फाइल टू इम्पोर्ट ए, तो ये मतलब कंपाइलर जो है कन्फ्यूज हो जाएगा, मतलब वहाँ पे ना कॉलिजन आ जाएगा। तो हमेशा ना हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, मैक्सिममली ऐसे ही लिखना चाहिए। इससे स्पेसिफाई होता है कि कौन से आप फाइल को इंपोर्ट करके किसका वेरिएबल लेना चाहते हो, ठीक है, तो इससे कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैक्सिमम टाइम। अब जैसे फंक्शंस को कैसे इंपोर्ट करते हैं वो देखते हैं ज़रा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे फंक्शन मार के दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। जैसे मैं एक प्रिंट जोक नाम का फंक्शन बनाता हूँ, जो कि क्या करेगा, सिंपल एक str स्ट्रिंग वैल्यू लेगा। अब प्रिंट f स्ट्रिंग्स यूज़ कर लेते हैं यार, ठीक है, करेक्ट है, दिस इज़ ए जोक। ओके, यहाँ पे क्या करते हैं, str की वैल्यू लिख देते हैं। अब str लिख दिया हमने, ओके, अब इसे सेव करते हैं और यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा, इसको तो यार कमेंट आउट कर देते हैं, इसको तो हमें यूज़ ही नहीं करना। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लिखते हैं फाइल वन डॉट, क्या नाम था हमारे फंक्शन का, प्रिंट जोक, और उसके हम आर्गुमेंट में क्या देते हैं, मैं अपना नाम लिख देता हूँ शील। ओके, अब हम इसे हम रन करते हैं, तो देखिएगा अब इसे रन करेंगे तो हम दिस इज़ जोक सुशील लिख के आएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन वही था, जैसे कि अभी रन हो रहा है।
ओके, तो दिस इज़ जोक सुशील, जैसा क्या देख सकते हैं क्योंकि अरे ये क्या कर दिया मैंने, तो ये हमारा प्रिंट हो गया। तो बस मॉड्यूल्स और पैकेजेस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि कभी भी आप अपने फाइल का नाम जो रख रहे हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे 2_31py रखा है, कभी भी गलती से भी इस मतलब 2_1 2_3 की जगह आप किसी पैकेज का नाम ना रख दें जिस जो आप इस्तेमाल करने वाले हैं। और ऐसे भी नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना, क्यों नहीं रखना चाहिए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे एक इम्पोर्ट सिस मैं करता हूँ, ठीक है, अब मैं आपको सिस का पाथ दिखाता हूँ। पाथ अगर दिखाता हूँ तो पहले ही क्या करता है ना, जो ये पहले क्या करेगा, अपनी ही डायरेक्टरी में खोजेगा। ये देखिए ये सारी जो इसने सर्च किए हैं ये पैकेज को, उसकी लिस्ट, ये लिस्ट लिस्ट नहीं कह सकते, लेकिन ये आ गई है कहाँ कहाँ इसने ढूंढ गया, ये क्या क्या ढूंढा है इसने। तो हम अगर यहाँ भी मैं अगर सिस लिख दूँ ना तो इसमें एरर आ जाएगा, या फिर हम इम्पोर्ट की जगह इम्पोर्ट एक्सेलेंट कोई कर रहे हैं या फिर मशीन लर्निंग कोई मॉडल इम्पोर्ट कर रहे हैं तो क्या करेगा वो, अगर आपने उसका नाम सेम रख रखा है यहाँ पे, यहाँ पे भी आपने sklearn.py रख रखा है, तो बहुत ही गंदी प्रैक्टिस है वो, गलत प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो उससे एरर आ सकता है आपके, हाईली चांस हो सकते हैं। और किसी की आपकी अगर ज़िंदगी झंड करनी है ना, तो उसके फाइल का नाम वही रख दो जो उसने मॉड्यूल और पैकेज इस्तेमाल कर रखा है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।